ये और हाइब्रिड हाँ इन्वर्टर है। हाइब्रिड इन्वर्टर का मतलब ये है कि ये बैटरी के साथ काम करेगा और सोलर के साथ काम करेगा। अंदर क्या है जो हम आपको दिखा देते हैं, इसके अंदर क्या है कि इसमें 5-5 किलोवाट का दो बैटरी लगा हुआ है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही ज्यादा बढ़िया हुए। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही खतरनाक और धमाकेदार बिजनेस आइडिया में लेके आया हूँ। पहले छोटी सी झलक दिखाता हूँ, ये देखो, ये ब्रांडी रहने वाली है और कंपनी का नाम रहने वाला है रूम सोलर, जहाँ पे आप 1000 रुपए लगाइए, ठीक है जी, सिर्फ 1000 रुपीज, जी हाँ 1000 रुपए लगाइए, उसके बाद आप घर बैठे या फिर कैसे कमाना है वो बताऊ पूरी डिटेल में। 1000 रुपए लगाने के बाद आप लाखों और भाई बिजनेस आप करते रहोगे, कंटिन्यू रहोगे तो करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो। करना ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगा, सर से मिलवाता हूँ जो यहाँ के हेड है, जो कि मैनेजर रहने वाले हैं, उनसे पूछेंगे कैसे कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग आपको सिर्फ 1000 रुपए से करनी है, जो कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट रखिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो सर कैसे हैं? गुड, आप कैसे हैं? बढ़िया सर। तो सर थोड़ा सा अपनी कंपनी बारे बता दीजिए, क्या कंपनी रहती है, जैसे कि सोलर देख रहे हैं, डील क्या करते हैं, कब से कंपनी काम कर रही है, कैसे क्या रहता है? देखिए, लूम सोलर एक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो सोलर पैनल और लिथियम बैटरी बनाती है, और ये फरीदाबाद हरियाणा बेस्ड सोलर कंपनी है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट का रेंज है वो 10 वाट से लेके 550 वाट तक का सोलर पैनल, और 6 AH से लेके 100 AH तक का लिथियम बैटरी, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, पैनल स्टैंड, वायर, मतलब सोलर में लगने वाले सारा कुछ सोल्यूशन। तो बैटरी भी, जब सोलर तो मुझे पता है आप मैन्युफैक्चर करते हैं, बैटरी भी आप मैन्युफैक्चर करते हैं? जी हाँ। तो भाई ये देख लो, बैटरी में दिखा दूं, ये देखो यहाँ भी इनकी फुल ब्रांडिंग मिलने वाली रूम सोलर की। तो मतलब कि क्या है, सोलर पैनल जो भी चीजें इस्तेमाल होती है ना, A to Z चीजें सर के यहाँ से मैन्युफैक्चर होती है, कुछ भी बाहर से परचेज नहीं करते। ऐसा नहीं कि सोलर यहाँ से ले रहे बैटरी की जरूरत, नहीं, A to Z रूम सोलर का ही मिलने वाला है। तो सर स्टार्ट कर लिया है, आगे भी बढ़ेंगे, तो कर लेते हैं AC भी चला लेते हैं हम सोलर से ही। तो जैसे कि मैं AC देख रहा हूँ, तो क्या आप इसे AC चलाते हैं? तो AC के पास में आइए, AC बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, शहरों में तो बहुत जरूरी है। जो देखें, सबसे पहले जो AC है, इस वीडियो का जो लोग सोलर का बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं, उनको ये जानना होगा कि सोलर का बिजनेस शुरुआत क्यों करें। बिल्कुल। तो इंडिया में 3-4 मेजर प्रॉब्लम है जिसको लूम सोलर सोल्व कर रही है। बिल्कुल। यदि रूरल इंडिया में चले जाएंगे तो वहां पर दिक्कत आती है पानी का मोटर, कि पानी की मोटर कैसे चलेगी, पानी बहुत जरूरी है गांव में, देहात में। शहरी क्षेत्र में आप चले आते हैं तो वहां पर दिक्कत आती है दिन में AC। बिल्कुल, गर्मियां आनी शुरू हो रही है, सबको पता है। मान लो ऑफिस गए भाई, ठीक है, ऑफिस से घर आए, लाइट चली, क्या करोगे, गर्मी में रहोगे। और उसके बाद जो अब है कि डीजल और पेट्रोल का जो गाड़ी जो स्विच हो रहा है इलेक्ट्रिक पर, EV में, बिल्कुल सबको पता है, वहां पर जरूरत पड़ता है कि EV को हम चार्ज कैसे करेंगे। अभी तो फिलहाल बिजली से कर रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या है कि सोलर जो है ना भाई, इलेक्ट्रिसिटी को फुल्ली रिप्लेस करने वाला है। डीजल, ये जो आपका जनरेटर आता है ना, जनरेटर धीरे धीरे कहीं ना कहीं रिप्लेस होते जा रहे हैं, और बाद में इलेक्ट्रिसिटी भी सोलर में ही कन्वर्ट हो रही है। और जो EV हो गया आपका, जो मतलब कहने का मतलब पूरा घर जो है ना, सर के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूरा घर सोलर चला देंगे, बिजली तो दूर की भूल जाओ, जो गांव में है, देहात में। सर ने अभी बता रहे थे चंडीगढ़ में प्लांट इंस्टॉल किया है प्रॉपर, वहां पे AC कूलर घर की पूरी लाइट उस पर्टिकुलर सोलर चला के दिखाया था। सर के चैनल पे वीडियो भी है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में डली के लिंक भी, आप वहां भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है जी। बाकी अगर सोलर चला AC चलाने के लिए सबसे पहले जिनके पास ये AC लगा हुआ है, वो ये AC इन्वर्टर AC है। बिल्कुल, इन्वर्टर AC है, और ये इसका जो पावर कंजम्पशन होता है 1500 से लेके 1800 वाट की होती है। तो जिनके घरों में इस टाइप का इन्वर्टर AC स्प्लिट हो या विंडो हो, और AC का एक और टाइप आता है सेंट्रल AC, जो जनरली रेस्टोरेंट और ऊपर लगे होते हैं, ऑफिस में लगते हैं, तो ये जो AC है वो सिंगल फेस AC है, ठीक है। जो सेंट्रल AC होते हैं वो, या कमर्शियल AC, वो 3 फेस का होता है, 3 फेस, ठीक, मतलब उसमें 3 वायर आएगा, तब ही वो AC चल पाएगा। तो इस AC को चलाने के लिए जनरली घरों में जो AC लगा हुआ है, ये AC लगा हुआ है, और इस AC को चलाने के लिए
कम से कम ऐसा इन्वर्टर बैटरी चाहिए जो कम से कम लगभग 3 किलोवाट से पावर को लोड को उठा सके। तो हमारे पास यहाँ पर इस एसी के साथ है, जो जैसे कि लाइट हो गया, फैन हो गया और ऑफिस के जितने भी अप्लायंसेस है उसको चलाने के लिए यहाँ पर हम 5 किलोवाट का इन्वर्टर बैटरी रखे हुए हैं। 5 किलोवाट में सब कुछ चल रहा है आपका, पूरा पूरा ऑफिस ऑफिस चल रहा है। भाई ऑफिस का टूर भी दूंगा, बहुत बड़ा ऑफिस है, छोटा नहीं कि एक रूम का ऑफिस है, ये सिर्फ पर्टिकुलर एक ऑफिस बना हुआ है, रूम है, बाकी बहुत बड़ा था, लोग सारे बैठते हैं, एसी आपका, मैंने देखा एलसीडी पैनल ही 3-4 एलसीडी पैनल लगे हुए हैं, प्लस सारे फैन हो गए, लाइट्स हो गई, सब कुछ दिखाएंगे पूरी डिटेल में। तो पहले जरा एसी में कर लेते हैं कवर, फिर जो चल किससे रहा है वो भी दिखाएंगे आप। हाँ, तो यहाँ पर हम एसी को सबसे पहले ऑन कर देते हैं। बिल्कुल, कि हम नीचे जाएंगे तो लाइट चल गई है, अब ये एसी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ये एसी स्टार्ट हो गया। तो इसकी स्टार्टिंग करंट यहाँ पर डिस्प्ले नहीं है, हम लेके चलेंगे आपको नीचे इन्वर्टर के पास, वहां पर सारा कुछ है, इन्वर्टर बैटरी जहाँ लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया में ऐसा इन्वर्टर बैटरी आ चुका है जो एसी को चलाए। बिल्कुल, तो आपको लेके चलते हैं इन्वर्टर बैटरी के पास कि ये पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, कितने घंटे चलेगा ये, तो वो सब कुछ दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा। क्या बात है, तो चलिए गाइस वीडियो बने रहना, अभी ज्यादा देर नहीं लगेगी, चलिए हम लाइट दिखाते हैं उसकी, जो प्लांट है कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है सब कुछ दिखाते हैं। सो गाइस आपको लेके आ गए हैं पूरा, ये देख लो, ये रहने वाला है बैट इन्वर्टर का कैबिन। भाई साहब ये देख लो कितना छोटा सा कॉम्पैक्ट सा है, ज्यादा स्पेस आपका नहीं लेगा और इससे एसी और एसी फ्रिज कूलर पूरा घर चलेगा। तो सर एक बार ओपन कर जरा इसको, अंदर से दिखाते हैं अंदर से कैसा रहने वाला है, तो ये चेकआउट करो आप। ये पूरा का पूरा अभी 10 किलोवाट आवर का इन्वर्टर बैटरी है। बिल्कुल ठीक है, तो भाई ये चेकआउट करो आप, पूरा मतलब सेटअप वेटअप पूरा लगा हुआ है अंदर, और बाहर से ऐसे कैबिन मिलने वाला है किसी को पता भी नहीं चलेगा भाई आपके घर इतनी अच्छी चीज़ है। और ये आपका पूरा इंडिकेशन सब कुछ दिखाया क्या रहने वाला है, कितने किलोवाट का पावर का चल रहा है, तो पूरा का पूरा सब कुछ सिस्टम रहने वाला है ये चीज़। तो इसमें जो जो लोग एसी के लिए इन्वर्टर बैटरी ढूंढ रहे हैं तो उनको बता दे कि इंडिया में ऐसा इन्वर्टर बैटरी आ गया है जो कम स्पेस में, इन्वर्टर बैटरी पहले भी था बिल्कुल, लेकिन आज के टाइम में ये नए जमाने में ये इन्वर्टर बैटरी है जो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो फ्रिज होगा 220 फ्रिज भी इससे बड़े होते हैं भाई, जो सिंगल डोर का 220 लीटर का या 180 लीटर का जो फ्रिज है उसके बराबर में ये 15 किलोवाट का, बिल्कुल मतलब जो जनरेटर आप देखते हैं 15 केवीए का जनरेटर उसके बराबर ये है, मतलब उसके बराबर करंट मिलने वाला है भाई आपको। इसके अंदर क्या है जो हम आपको दिखा देते हैं, इसके अंदर क्या है कि इसमें 5-5 किलोवाट का दो बैटरी लगा हुआ है, ये कैमल बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी है, 5-5 किलोवाट का बैटरी है, एक बैटरी और जगह है बिजली, जैसे अभी 10 किलोवाट का हम बैटरी बैंक बनाए हैं इसे 5 किलोवाट और बढ़ा के 15 किलोवाट का बनाएंगे, वो डिपेंड करता है आपके यूज पे और कस्टमाइजेशन करवा सकते हो आप। और उसके साथ एक हाइब्रिड इन्वर्टर लगाया हुआ है, ये लो इन्वर्टर सिस्टम बेसिकली ये रहने वाला है ना। अभी तक जो लोग सुनेंगे हाइब्रिड कार, ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, हाइब्रिड इन्वर्टर का मतलब ये है कि ये बैटरी के साथ काम करेगा और सोलर के साथ काम करेगा, एक्स्ट्रा जो बिजली बनेगा वो डायरेक्ट सरकार को भेज देगा, क्या बात, जिससे वो कहीं वो बिजली वो कमाई का जरिया बन सके। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हाइब्रिड इन्वर्टर है और इस सारे सिस्टम को मिला के, और इसका कुछ फायदे हैं जो हम आपको बता देते हैं। इसका जो फायदा क्या है कि पहली बैटरी तो आप देखिए कि कम जगह में ये बैटरी है, लेकिन इसका जो दूसरा फायदा है कि जो कम टाइम में, मतलब ये 90 मिनट में ये बैटरी फुल चार्ज हो जाता है, 90 मिनट में सिर्फ। जी हाँ, और बैकअप कितना रहता है, बैकअप मतलब कि जितना आप लगाना चाहते हैं उतना ये बैकअप, जैसे कि वो डिपेंड करता है कि लोड कितना चला रहे हैं, ठीक है, यूजेस पे डिपेंड करता है। जो लोग जैसे हम ऑफिस चलाते हैं हाँ। तो ऑफिस में यदि 4 दिन के टाइम में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल,
कुछ भी हो जाए, बिजली आए ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाह। लेकिन जब बिजली भी नहीं है और बारिश का मौसम आ गया तब हमें दिक्कत पड़ जाती है। ठीक है। फिर उस समय काम नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हम इसको सोलर के साथ लगाए हुए हैं। यहाँ पर हम सोलर पैनल लगाए हुए 5 किलोवाट का, जो हम सोलर पैनल भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है। तो यहाँ जो कंज्यूमर बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं सोलर का, उनको ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट बेचना होगा, अपने कंज्यूमर को बताना होगा कि एसी के लिए, इलेक्ट्रिक कार के लिए, पानी के मोटर के लिए और उसके साथ जितने भी प्रिंटर, यदि बिजनेस है तो प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा, ये सब चल सकता है। ये मान लें कि जो जनरेटर जो खरीद रहे हैं उसका ये अल्टरनेटिव है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जनरेटर आपका भाई एनवायरमेंट बहुत पॉल्यूशन फैलाता है और ये ना कोई आवाज आएगा, आपके पड़ोसी परेशान नहीं होंगे इस चीज से। भाई जनरेटर से क्या भाई, बहुत कंप्लेंट आती है, पड़ोसी कंप्लेंट कर रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं भाई, शांत से करेगा, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, कोई पोल्यूशन नहीं, कुछ भी नहीं, कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं, अपना आराम साइड में पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सर एक चीज, जैसे आपने बताया कि ये सोलर से भी कनेक्ट हो जाता है ना। हाँ। अभी करंटली हम बिजली से चार्ज करें लाइक एज अ इन्वर्टर, हमारे पास सोलर लगा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देखिए कि सोलर से भी आ रहा है। अरे आप देखेंगे तो सोलर का भी इसमें सारा कुछ दिखाएगा कि सोलर से इतना वोल्ट, अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, तो एक सोलर पैनल और दूसरे सोलर पैनल, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, सब कुछ चेक कर सकते हो, ये सारा कुछ है इसमें। कंज्यूमर थोड़ा सा टाइम देंगे तो उनको पता चल जाएगा, स्टार्टिंग में नहीं तो समय टाइम लगता है, लेकिन ये आपके लिए दिया हुआ है ताकि आप नॉर्मली आप कर सकते हो, चेक कर सकते हो। और इसके साथ इंटरनेट ऑनलाइन मॉनिटरिंग रहता है कि जो अच्छा। लोग चाहते हैं कि अपने, जिसे हम अपने ऑफिस में पूरा का पूरा ऑनलाइन मॉनिटर करके पता करते हैं कि हमारे पास बैटरी कितना बचा हुआ है। ठीक है। और कितना हमारे ऑफिस में लोड चल रहा है, मतलब कहीं से भी पता कर सकते हैं हम, कहीं से भी। क्या बात है, कहीं भी बैठे रहो, मान लो भाई कहीं बाहर रहते हो, अपनी फैमिली ने लगाया तो अपने चेक कर सकते हो कहीं से बैठे हुए घर में क्या है, कितना मतलब लोड रिक्वायरमेंट है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो कहीं भी बैठे रहो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। अब इसके बाद जो है उनको उनको बता दे कि इसके साथ सोलर पैनल किस टाइप का रहता है। तो सोलर पैनल के लिए क्या है वो भी देखते हैं, सोलर पैनल हम आपको दिखाते हैं। ये चलिए गाइस, ये देख क्या बात है, ईवी स्कूटर भी यूज करते हैं ये भाई, प्रॉपर ईवी वाले बन गए हैं। अब ये देख लो भाई, ये प्रॉपर पैनल लगा हुआ है, तो स्पेस आप इस तरह का भी यूज कर सकते हो, छत पे कहीं भी जहाँ पे धूप आया ना, बेसिकली धूप आनी चाहिए। सोलर पैनल जो है, यहाँ पर सोलर पैनल लगा हुआ है, ये डेमोंस्ट्रेशन पर्पस के लिए है। ठीक है। जो लोग सोलर पैनल जब तक वो देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो सोलर पैनल खरीदेंगे कैसे, बिल्कुल सही बात है, लगवाएंगे कैसे, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सोलर पैनल, ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल, हर साल सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी चेंज होते रहती है, बिल्कुल। और ये बाइफेसियल सोलर पैनल, बाइफेसियल सोलर पैनल ऐसा सोलर पैनल होता है जो दोनों साइड से बिजली बनाता है। अच्छा। ये दोनों साइड से बिजली बनाने वाली सोलर पैनल। अरे हुआ, सही में यार, ये देखो जैसे देखे बैक साइड में, बिल्कुल नॉर्मल, आपने व्हाइट देखा होगा, व्हाइट होता है बैक साइड से, यहाँ पर आप देखिएगा तो व्हाइट कलर होगा। हाँ, ये देखो, ये जो पहले आता था, और ये देखो टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये आ गया। हाँ। तो यहाँ से भी चार्ज होगा और आपका यहाँ से भी चार्ज होगा। हाँ, तो जो लोग मतलब सोलर पैनल, जो लोग जिनके घरों में एक बैटरी है उनके लिए एक सोलर पैनल सफिशियंट है। अच्छा, बस एक ही, एक ही सोलर पैनल सफिशियंट है। ठीक है। जिनके घर में जो लोग एसी चलाना चाहते हैं तो उनको हम रिकमेंड करेंगे कि कम से कम 5 किलोवाट सोलर सिस्टम पर जाए, क्योंकि सोलर सिस्टम की लाइफ 25 साल की होती है। बिल्कुल, 25 साल, 25 साल में वो उनको बढ़ाने घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये टेक्नोलॉजी रहती है। बिल्कुल। तो भाई जो गाँव में, जो रूरल एरिया में रहते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है गाँव देहात में, तो सिर्फ एक ये लगा लो और जो टेक्नोलॉजी हमने दिखाई वो बैटरी बैकअप वो लगा लो, तो सब कुछ लगा। तो सर बंदा ले लेगा, इंस्टॉलेशन कैसे रहता है, आप करवाते हैं, कैसे रहेगा प्रोसेस? इंस्टॉलेशन से पहले इसमें हम आपको बता दें, सोलर लगवाने पर सरकार सब्सिडी भी देती है। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है चीज़। सब्सिडी से वो सोलर का फायदा वो उठा सकते हैं, और उसके साथ वो सोलर का फायदा और सब्सिडी सरकार दे रही है पर किलोवाट 14,000 समथिंग, 14,000 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से उनको मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगभग वो 1 किलोवाट का जो भी 3 किलोवाट लगाएंगे तो लगभग उनको 42 से 43,000 रुपया उनको सरकार सब्सिडी देगी। बेनिफिट है गाइस आपको ये। जी हाँ। और उसके साथ उनके पास लाइफ टाइम में मतलब उनके घर पर बिजली जाने की चांसेज नहीं रहेगी, लेकिन उनके लिए जरूरी क्या है कि वो अपने घर पर एक सोलर इंजीनियर को बुलाए
जो हमारे वेबसाइट loomstore.com से वो पूरी जानकारी ले सकते हैं, वहाँ से बुक करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल, बुक भी करवा सकते हैं। पूरे इंडिया में हमारे इंजीनियर जाके उनको कंफर्म करेंगे। और दूसरा जो होता है कि सोलर सिस्टम लगवाने का खर्च बहुत ज्यादा है आज के दिन में, तो उसके लिए हम लोग लोन की सुविधा देते हैं। ये लो, तो लोन भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। मतलब महीने का 4,000 रुपया जमा करके वो अपने घर पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। सिर्फ 4,000 रुपए देकर बस? क्या बात है, ईएमआई करवा लो 4,000 रुपए की। आप एकदम से पैसा नहीं दे सकते, तो आप लोन फैसिलिटी कराओ और सर से कांटेक्ट करो, आप लगवा सकते हो। पूरी की जब पूरी जानकारी हमारे वेबसाइट पर दिया हुआ है, ईएमआई कैलकुलेटर बनाया हुआ है, जिससे अपने बिजली बिल या जैसे भी उनको लगता है वो कैलकुलेट करके हमारी टीम के साथ वो बात कर सकते हैं। ठीक है, पूरी जानकारी वहाँ से उनको मिल जाएगा। बिल्कुल, तो सर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, सब्सिडी मिलेगी आपको। आप लगवा तो रहे हो, जैसे कि आपने सुना ईवी कार पर सब्सिडी मिलता है, वैसे ही आपको सोलर पे भी सब्सिडी मिलता है। हालांकि ये चीज मुझे भी आज ही पता चली है, बहुत सारे जो व्यूअर होंगे उनको भी पता लगे सोलर पे भी सब्सिडी मिलती है। तो 14,000 मोटा मोटा अमाउंट पकड़ लेते हैं, तो पर किलोवाट 14,000 की सब्सिडी आपको मिलेगी। डिपेंड करता है आप कितने किलोवाट की लगाते हो, तो उसी हिसाब से मिलेगी मिलेगी। अब बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि सब्सिडी क्या किसी को मिला है, तो हम आपको बता दें सब्सिडी का वीडियो हम कुछ दिन में पब्लिश करने वाले हैं। बिल्कुल, कंज्यूमर से बात हो चुकी है, पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तो मे बी वो वीडियो से आप लोग को हेल्प हो सके कि कैसे लिए, और इसको इसको करने के लिए आप loomstore.com पर जाके पूरी जानकारी वहां से ले सकते हैं। बिल्कुल, तो भाई वेबसाइट वगैरह हो गया, सबको डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, स्क्रीन पर भी वेबसाइट की डिटेल चल रही है कि जहां से डायरेक्टली चेक कर सकते हो। ऑनलाइन का जमाना है भाई, अगर आपको सर पर भरोसा नहीं है तो वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पे एक एक चीज चेक करो, क्या प्रोडक्ट है, कैसे कंपनी के बारे में पूरी डिटेल है। मैंने खुद देखी हुई वेबसाइट, तो तभी भाई आपके लिए लेके आए, वरना आपको पता है मैं कोई भी ऐसी वैसी वीडियो लेके नहीं आता। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, प्लस आपके लिए सेविंग, प्लस भाई आपको पता है जो गाँव में रहते हैं उनके लिए भाई साहब वरदान है, ये वरदान समझ लो एक तरह से। परेशान रहते, लाइट नहीं रहती, सर ने भी चंडीगढ़ एग्जाम्पल दिया कि भाई सुबह 9 से लेकर रात के 7 बजे तक लाइट नहीं रहती है। तो जैसा मैंने बताया पहले भी कि वो वीडियो सर के चैनल पे है, वो चेकआउट करो। कस्टमर की सर ने प्रॉब्लम समझी, उनका सोल्यूशन किया, प्रॉपर सेटअप इंस्टॉल किया उनके घर पर जाकर, और आज की डेट में भाई बहुत खुश है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना वो लोग क्या करते, दिन के टाइम भाई मॉल घूमते थे, बताओ सोचो ऐसी हालत थी, गर्मी के टाइम में मॉल में जाना पड़ता था, आज वो आराम से घर में एसी चला के बैठते हैं सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल की बदौलत। भाई इलेक्ट्रिसिटी तो है ही है, सोलर पैनल से भी एसी चलाते हैं। तो बाकी तो भाई सेटअप हमने पूरा दिखा दिया है, अब देखते हैं सर खुद एक ईवी स्कूटर यूज़ करते हैं, कौन से ब्रांड करते हैं भाई, सब देख के पहचान गए होंगे। तो ये देख लो खुद सर, ये सोलर से पूरा सेटअप चल रहा है और ये सोलर से ही ये ईवी चार्ज हो रहा है ना सर? हाँ, ये हमारे ऑफिस के लिए है। पहले पेट्रोल का लड़के बार बार लेके जाते थे, पेट्रोल का पैसा डेली मांगते थे, पेट्रोल पेट्रोल का भरवाना है। ठीक है, आज के दिन में ये टेंशन खत्म हो गया है कि पेट्रोल का भी हमें पैसा देना है महीने का। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें क्या है कि इसमें जो बेनिफिट्स हमें मिला है कि एक पेट्रोल का जो बार बार पैसे देने का टेंशन एकदम खत्म हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा रहा बिजली का, तो कॉस्टिंग है ईवी का, लेकिन यदि हम डेली प्रॉब्लम को समझे तो हमारे लिए ईवी सस्ता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे सर ये बता रहे हैं वैसे ही एक बार वन टाइम सोलर में इन्वेस्ट करो, उसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी में काफी बचा सकते हो, प्लस कन्वीनियंट तो भाई बहुत ज्यादा रहेगा, आप सेविंग करो और कोई सुविधा पैसा नहीं लगता है। बिल्कुल, खुद का सनलाइट से हम इलेक्ट्रिक, बिल्कुल बिल्कुल, ये ईवी को चार्ज करते हैं। प्लस इलेक्ट्रिक कार का भी मेरा प्लान है कि इलेक्ट्रिक कार के बारे में कंज्यूमर के लिए एक इलेक्ट्रिक कार का हम प्रॉपर वीडियो बनाएं। बिल्कुल, तो ईवी कार भी चार्ज कर सकते हैं ना। इलेक्ट्रिक कार का जो कंज्यूमर है उनको हम बता दें कि जिनके घरों में टाटा निक्सॉन और एमजी हेक्टर का यदि इलेक्ट्रिक कार खरीद रहे, 5 किलोवाट से लेके 7.5 या 10 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगाएंगे तो उनका इलेक्ट्रिक कार फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी। क्या बात है, तो भाई कोई बिजली का झंझट ही नहीं है, दिन में चार्ज मिलाओ चाहे रात में लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भाई कभी कभी क्या होता है इलेक्ट्रिक कार में एक लिमिटेशन हो जाती है कि मान लो घर पर रहे लाइट नहीं है तो चार्ज कैसे करोगे, अगर जाना अर्जेंट है तो भाई सर के पास आओ, सोलर लगवाओ, दिन रात जब मर्जी चार्ज करो, बिजली से करो, सोलर से करो। तो भाई जब एक बार सोलर की आदत लग जाएगी ना भाई, तो सोलर से ही करोगे, कहीं नहीं जाओगे। जैसे कि सर देख लो, बिजली से भी छोड़ दिया सर ने, सर ने बिजली को टाटा बाय बोल दिया, अपना सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है और सर उससे ही चार्ज कर रहे हैं, और इवन पूरा का पूरा ऑफिस भाई सोलर से रन कर रहे हैं। और ये आपको दिखा, छोटा सा बैटरी पैक, कॉम्पैक्ट सा, फिर से दिखाता हूँ, ये छोटा वाला देख लो और ये बड़े वाला देख लो, दो लगाए सर ने और दोनों यूज़ कर सकते हो, छोटा लगा सकते, बड़ा भी लगा सकते हो आप।